सो गाइस, रिसेंटली ओप्पो ने चाइना में अपनी एक स्मार्ट वॉच को लॉन्च कर दिया है और ये बहुत जल्द इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है। इनफैक्ट ओप्पो चाइना के सीईओ ने ये कंफर्म कर दिया है कि 24 मार्च के बाद इसे वो ग्लोबली लॉन्च करने वाले हैं, यानी कि 24 मार्च के बाद कभी भी ये स्मार्ट वॉच आपको इंडिया में देखने को मिल सकती है। तो बेसिकली जो स्मार्ट वॉच है काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ में आती है और जो उसकी प्राइस रखी गई है वो भी काफ़ी कमाल की रखी गई है और इसमें आपको काफ़ी सारे यूनिक फीचर्स भी देखने को मिलते हैं जो कि अभी तक आपको किसी भी स्मार्ट वॉच में देखने को नहीं मिलते हैं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं इसी स्मार्ट वॉच के स्पेक्स के बारे में, उसी के साथ हम बात करेंगे इसकी प्राइस और इंडिया लॉन्च डेट के बारे में कि स्मार्ट वॉच को इंडिया में कब तक लॉन्च किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो गाइस, इसमें आपको 1.6 इंच की एक HD रेजोल्यूशन की डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने के साथ साथ एक 3D कर्व डिज़ाइन वाली डिस्प्ले होने वाली है और जो व्यूइंग एंगल्स है वो काफ़ी अच्छे आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं और जो टच एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और कमाल का देखने को मिल जाता है। गाइस, साथ ही इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसे स्पेशली डिज़ाइन किया गया है स्मार्ट वॉचेस के लिए, यानी कि कोई भी प्रोसेसिंग वगैरह आप इससे करते हैं तो कोई भी इश्यू वगैरह आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। उसी के साथ कोई भी एप्लीकेशन वगैरह आप रन करते हैं तो वो स्मूथली जो है वो इसमें रन होने वाली है, कोई भी यहाँ पे लैगिंग वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगी। गाइस, साथ ही इसमें आपको ईसिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और ये LTE को भी सपोर्ट करता है, यानी कि 4G स्मार्ट वॉच होने वाली है तो कॉलिंग वगैरह आप इससे कर सकते हैं, कोई भी इशू वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगी। और साथ ही इसमें आपको जो बैटरी देखने को मिलती है वो भी काफ़ी बड़ी है और एक बार के सिंगल चार्ज में ये 40 आवर्स तक नॉन स्टॉप बैकअप आपको देने वाली है, यानी कि अगर आप इसको 40 आवर्स तक नॉन स्टॉप यूज़ करेंगे तो ईजिली ये जो है आपका चलने वाला है। उसी के साथ अगर आप इसको लो लाइट या फिर लो पावर मोड में यूज़ करते हैं या फिर स्टैंड बाई मोड में यूज़ करते हैं तो ये 21 डेज़ का बैकअप आपको देने वाली है, ऐसा यहाँ पे ओप्पो ने क्लेम किया है जो कि बहुत अच्छी बात होने वाली है। अब यार चलिए बात करते हैं इसके यूनिक फीचर के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अगर इसमें आपको वूक चार्जिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है जो कि किसी भी स्मार्ट वॉच में अभी तक नहीं आई है और ओप्पो ने ये क्लेम किया है कि ऑलमोस्ट 1 आवर्स में ये स्मार्ट वॉच 0 to 100% चार्ज हो जाएगी, इवन 15 मिनट्स में ये 0 to 46% चार्ज हो जाती है जो कि काफ़ी कमाल की बात होने वाली है। उसी के साथ इसमें आपको रियल टाइम हार्ट रेट मॉनिटर भी देखने को मिल जाता है जैसा कि आपको एप्पल के स्मार्ट वॉचेज में देखने को मिल जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है ऐसा क्लेम किया है ओप्पो ने, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर भी इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। उसी के साथ काफ़ी सारे सेंसर्स वगैरह भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात इसकी होने वाली है। अभी अगर हम बात करें स्मार्ट वॉच की इंडिया लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में तो ये स्मार्ट वॉच जो है वो बहुत जल्द इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाली है। इनफैक्ट 24 मार्च के बाद जब भी ओप्पो की लॉन्च इवेंट इंडिया के अंदर होगी उस वक्त ये स्मार्ट वॉच इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगी और अकॉर्डिंग टू मी ये स्मार्ट वॉच जो है वो अप्रैल के 2nd वीक तक इंडिया में लॉन्च हो सकती है। उसी के साथ अगर हम बात करें स्मार्ट वॉच की प्राइस के बारे में तो चाइना में जो इसकी बेस वेरिएंट की प्राइस रखी गई है वो 15,000 रुपये के आसपास रखी गई है और इसका जो हायर वेरिएंट है वो 21,000 के आसपास आपको देखने को मिलता है। तो इंडिया में जो प्राइस है इसके वो भी यहाँ पे 15,000 रुपये के आसपास ही रहने वाली है क्योंकि ये कम्पीट करने आ रहा है यहाँ पे एप्पल की वॉचेस है या फिर कोई भी और स्मार्ट वॉचेज़ हैं उनसे, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा कम्पिटिशन रहने वाला है। आपको क्या लगता है कि इसकी प्राइस कितनी रहनी चाहिए इंडिया में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर देना। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय गाइज़।